स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 12 बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -3 × 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ओके, देखिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपके पास गिवन क्या क्या है। तो आपके पास गिवन है दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है कितना, -3 × 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको गिवन है। और ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होता है, तो आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी। मतलब अगर आपका पॉइंट चार्ज कुछ ऐसा है, सपोज करिए, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगे ना, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने पास हो रहे हैं इस एरिया से, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, थीके? तो यहाँ पर क्वेश्चन है दैट कि अगर आपका फ्लक्स इतना है तो उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताइए। तो हमारा जो गॉस लॉ होता है, फ्रॉम गॉस लॉ हमने पढ़ा है, फ्रॉम गॉस लॉ से हमने पढ़ा था दैट के फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड हमें निकालना है, तो आपका फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फाई तो हमें पता है दैट 3 × 10⁻¹ लेना है, और आपका एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि वैल्यू होता है उसका 8.85 × 10⁻¹². तो इससे हमारा चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आपके 3 × 10⁻¹² × 8.85, तो ये आ जाएगा 26.55 × 10⁻² 14 में से 12 चला गया। ठीक है, तो 12 13 14, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.655 × 10³ कूलम। ओके, ये चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है दैट कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखिए आपका फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है गॉस लॉ से, वो सिंपली होता है चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रेडियस का कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस आप लोगे वो कितना बड़ा है उस पर, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें मतलब होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो इसलिए यहाँ कोई डिपेंडेंट होगा ही नहीं, तो जितना पहले था उतना फ्लक्स अभी भी रहेगा। ठीक है, जितना पहले था उतना फ्लक्स अभी भी रहेगा, या नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी फॉर दैट, माइनस था वो, -3.3 × 10⁻¹⁴, सो चार्ज विल भी नेगेटिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना था। आई होप दैट दिस क्लियर यू डाउट। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।